पीएनबी के हैं सर 40 स्टॉक्स है एट द रेट ऑफ 125.50 रुपए सर जी। और एक कैनरा बैंक है सर 120 शेयर 112 रुपए के हिसाब से सर। ठीक है ठीक है। और आपका नजर है क्या, आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? तक मैं होल्ड कर सकता हूँ सर मार्च अभी 6 मंथ का जी। और मेरे को एक चीज और पूछना सर, कैन बैंक में क्या मैं सर एवरेजिंग कर सकता हूँ अभी राइट नाउ सर? कैन बैंक में कौन से बैंक में? कैन बैंक में सर, कैनरा बैंक। अच्छा कैनरा बैंक में, ठीक है ठीक है। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। सबसे पहले तो पीएनबी पे इनकी खरीदारी है 125 से। विनोद जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। सबसे पहले तो इनकी पीएनबी पे खरीदारी देखे तो वहां से 18% स्टॉक नीचे की तरफ गिर चुका है। एक्चुअली कंटिन्यूसली पूरा एक डाउन ट्रेंड ही बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पे काफी अच्छे से। यहां पर कुछ एक्सपेक्टेशंस है रिवर्सल के, साथ ही साथ इनका सवाल है कैनरा बैंक पर भी स्टॉक गिरते जा रहा है, तो यहां पर क्या थोड़ा एवरेजिंग करना चाहिए, थोड़े और शेयर्स यहां पे खरीदने चाहिए? जी हाँ, ओवरऑल जो गिरावट जो देख रहे हैं खासकर ये जो क्वार्टर वन के नतीजों के बाद बिकॉज ऑफ हायर स्लिपेज है जो ओवरऑल इस सेक्टर को देखने को मिला, और जो पीएसयू का जो थोड़ा सा एंगल था कि लोग पीएसयू बैंक ने एक साइड थोड़ा बिकवाली हो रही, तो ये सब कारणों से थोड़ा ओवरऑल ये दोनों बैंक में सेलिंग का प्रेशर आया है। बट जहां तक पीएनबी की अगर बात करें तो पीएनबी ऊपर से लगभग 125-30 से गिरा हुआ स्टॉक 103-104 पे अगर देखे तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव मैं बोलूंगा, लेस देन 1x वो ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी का अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखें तो वो 70% ही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये फंड रेज नहीं भी करे तो भी ये कंपनी कंटिन्यूअसली डबल डिजिट पे आपका लोन बुक ग्रोथ दिखा सकता है, जो शायद दूसरे बैंकों के पास एटलीस्ट वो स्कोप अभी थोड़ा कम है। तो उसी लिहाज से मैं देखो तो पीएनबी बैंक कैन बी होल्ड किया जा सकता है। जो ना कैनरा बैंक की बात करूं, कैनरा बैंक भी ओवरऑल असेट क्वालिटी परस्पेक्टिव से देखे या लोन बुक ग्रोथ परस्पेक्टिव से देखे तो सारे एंगल से ठीक ठाक मुझे लगता है। जो उनका रिटर्न्स रेशियो वो भी ओवरऑल कंपेरेबल है दूसरे पीएसयू बैंक से, तो मुझे लगता है वो भी स्टॉक होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली ये करेक्शन में अगर किसी को लगता है कि थोड़ा सा मैं एवरेज करूं या और एडिशनल बाय करूं तो मेरी सलाह रहेगी कि किया जा सकता है क्योंकि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो ये है होल्ड करने की आपको सलाह कैनरा बैंक में। बढ़ते हैं आगे।